लिए हमें 20 रास्ता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग पे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से। ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है जिसमें मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। एक यार ड्रीम था कि मैं इंटरनेशनली एक दिन ट्रैवल करूँगा। सो आज वो दिन आ गया है। सो पाकिस्तान में कैसे जा रहा हूँ, क्या क्या गाइडलाइंस हैं एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड कैसे आप जा सकते हो, वो सब आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने कल RT-PCR टेस्ट करवाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। बाकी देखिए ऐसा कुछ रोड है एंड ऐसे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मज़ा होता है दोस्तों, देखिए मतलब बिना पेट्रोल के, मतलब बिना स्टार्ट किए हुए मैं जा रहा हूँ। देखिए एकदम से ढलान है ना, इसलिए अपने आप स्कूटी चल रही है। लो जी दोस्तों, आ चुका हूँ मैं कठुआ सिटी हॉस्पिटल में और यहाँ से मैं लूँगा अपनी RT-PCR रिपोर्ट। बाय द वे मैंने कल करवाई थी वो, तो वो बोल रहे थे कि तीसरे दिन मिलेगी, तो मैंने मैम से रिक्वेस्ट करी थी। सो दोस्तों ये थी पीछे अमृत फार्मेसी, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वालों ने यहाँ पर ब्रांच खोली है एंड ये मिल गई मुझे मेरी रिपोर्ट जो कि नेगेटिव आई है। अब आपको सीधा दोपहर को मिलते हैं जब मेरी ट्रेन है, ठीक है। एक दिन पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि 25 को मेरी डेट ऑफ जर्नी है जब मैं इंडिया से पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन मुझे 24 को निकलना पड़ेगा यहाँ से अमृतसर। काफ़ी तेज़ हो चुकी है देख सकते हो, और आ चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे। यहीं से मेरी ट्रेन होगी जो कि अमृतसर लेके जाएगी। कौन सी ट्रेन है वो मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ करतारपुर साहिब। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भाई करतारपुर साहिब पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है, यहाँ पे इंडियंस को जाना अलाउ है, और मतलब इंडियंस कहीं भी नहीं जा सकते। दो तीन रीज़न होने चाहिए फिर आप पूरे पाकिस्तान घूम सकते हो। जहाँ तो आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए वहाँ पे, और यहाँ आपका कोई बिजनेस होना चाहिए बड़ा पाकिस्तान में, या आप मंदिर में जा सकते हो। बाकी दोस्तों जो हमारी ट्रेन आएगी वो 3:10 पे आएगी इसी प्लेटफॉर्म पे, और 7 बजे के आसपास हमें अमृतसर पहुंचा देगी। बाकी आपको और भी ज़्यादा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले ट्रेन का वेट कर लेते हैं। ट्रेन कौन सी है? जम्मू तवी से संबलपुर, जम्मू तवी संबलपुर स्पेशल है। इसमें मैंने एक बार पहले भी यात्रा करी थी, तो ट्रेन आती है उसके बाद यात्रा को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी जम्मू कश्मीर टू पाकिस्तान सीरीज Part 1 होने वाला है। दोस्तों टाइम हो रहा है भाई 3:08 हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है WFP4 के साथ टाटा मोरी। दोस्तों अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में सिर्फ 4 दिन चलती है। चलने का टाइम है इसका 2:20 पे। ये जम्मू तवी से खुलती है, 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन 4:15 पे आपको संबलपुर पहुंचाती है, और इसका नंबर है 18310 टाटा मोरी। सो हम तो इससे 160 के समथिंग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों ये ट्रेन 49 घंटे और 55 मिनट यानी कि 50 मिनट लेती है, 62 इसके हॉल्ट हैं, लेकिन हमारे बहुत कम रहने वाले हैं क्योंकि हम अमृतसर तक जाने वाले हैं। और ये हमारा आज का कोच D4। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है हीरानगर से।
दोस्तों देखिए, पहले यहाँ पे सिंगल लाइन थी, लेकिन अभी यहाँ पे डबल लाइन हो चुकी है। ये अभी नई नई लाइन बनी है। ये दोस्तों जम्मू तवी से लगभग 99 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी ट्रेन ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है पठानकोट जंक्शन पे। इसका स्टेशन कोड है PTK। यहाँ पे हमारी ट्रेन का आधे घंटे का स्टॉप है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से हमारी ट्रेन के लोकोमोटिव चेंज होगा। आगे देख सकते हो आप, रास्ता है जो वो बंद है क्योंकि आगे हिमाचल पड़ जाता है। एंड इसका लोकोमोटिव यहाँ से खुल के पिछली वाली साइड लगेगा और उस साइड जाएगी, फिर से मतलब रिवर्स ही आएगी और बरौली से कट के अमृतसर जाएगी। बाकी आधा घंटा रुकेगी, तो चलिए कुछ खा भी लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए लोकोमोटिव खोल रहे हैं, अब शंटिंग फिर से होगी इसकी, यहाँ से खोल के आ गए। बाकी दिखा देता हूँ आपको थोड़ी सी शंटिंग इसकी, ये खोल रहा है। तो यहाँ इनको खोलने देते हैं, हम चलते हैं कुछ खाने के लिए। यार बहुत भूख लगी है। ये रेस्टोरेंट है कुछ इस तरह से, यहाँ पे राजमा चावल मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने राजमा चावल, फिर इसकी बात करें तो भाई एवरेज भाई खाना वाना खा गया और टाइम अब भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मतलब कि आधा घंटा पहले पहुँचा दिया हमारी ट्रेन ने, तो अभी लोकोमोटिव भी खुल के आगे जा चुका है, वरना मैं आपको दिखा देता। तो अभी वेट करते हैं 5 बजे तक। बाकी वो देखिए सामने कांगड़ा वैली वाली टॉय ट्रेन आ रही है, वही दिखाते हैं आपको। यार वो देखिए, इधर से ही जूम करके दिखाते हैं थोड़ा बहुत। वो देखिए ग्रीन कलर की दिख रही है ना। चलिए अपने भाई मिले, दोस्त मिले हैं, जम्मू से ही हैं। क्या नाम आपका? लवजीत। लवजीत, और ये अमृतसर जा रहे हो? तो ये भी भाई अपनी तरह अमृतसर जा रहे हैं। तो भाई अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है पठानकोट जंक्शन से। पाकिस्तान से रात बज के 33 मिनट हो रहे हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है अमृतसर। देखिए 7:15 पे टाइम था, लेकिन 15 मिनट लेट आई है। तो चलो अब कोई होटल वगैरह देखते हैं, क्योंकि अब हमारी जो यात्रा होने वाली है वो अमृतसर से बाबा डेरा नानक तक की होने वाली है। तो अभी तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ जर्नी है वो कल है। अभी हम आए हैं एक शॉप पे मनी एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि भाई अगर आप करतारपुर साहब जाते हो तो वहाँ पे इंडियन रुपीस नहीं चलते हैं, वहाँ पे $20 मतलब डॉलर करेंसी चलती है। तो हम यहीं से एक्सचेंज करवाते हैं। ये भैया की शॉप है, यहाँ से हम एक्सचेंज करवाएंगे। ये हमें 1540 रुपीस ले रहे हैं, तो अभी लेते हैं यहाँ से। ये इनकी दुकान है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये इनका नंबर रहा अगर मनी एक्सचेंज, कोई भी कितनी मनी एक्सचेंज करवा देते आप? हाँ करतारपुर, हाँ जी हाँ जी। लिए हमें $20, देखिए फर्स्ट टाइम डॉलर को हाथ में पकड़ा 20।
भाई दे यार आधार कार्ड, आधार कार्ड चेक आउट। विशाल विशाल हाँ यही नहीं नहीं नहीं। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि जो मैंने रूम लिया था वो थोड़ी दूर था रेलवे स्टेशन से, एंड रात को आपको रूम टूर करवाना था वो करवा नहीं पाया, क्योंकि भाई मैं अमृतसर शहर घूम रहा था रात को। और अभी जा रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन पे, एंड टाइम देख सकते हो सुबह का, मतलब बता नहीं सकता सुबह के 3:30 हो रहे हैं और 4:20 पे मेरी ट्रेन है डेरा बाबा नानक जाने के लिए। सो ये भाई हमारा अमृतसर रेलवे स्टेशन, और तकरीबन टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं, और 4:20 पे यहाँ से ट्रेन है बाबा डेरा नानक जाने के लिए, और एक ही ट्रेन जाती है अमृतसर जंक्शन से। अदरवाइज आपको बहुत खज्जल होना पड़ सकता है, बस वालों को पैसे देना पड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह उठकर आ गया, हड़बड़ी में आया ना, आपको रूम टूर करवाया, बट मैं आपको रूम प्राइस बता देता हूँ। मैंने जो दरबार साहब है उसके आसपास रूम लिया था, जो कि मुझे 400 में पड़ा था, काफ़ी बढ़िया रूम था, एसी रूम था। सो दोस्तों इंडिया से पाकिस्तान जाने के लिए, यानी कि इंडिया से करतारपुर साहिब जाने के लिए आपको चाहिए होता है एक इंडियन पासपोर्ट, उसके बाद आपको चाहिए होती है एक इंडियन कोई भी आइडेंटिटी हो, आधार कार्ड हो या कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको 15 या 20 दिन पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि आपको प्रकाश पर्व वेबसाइट है करतारपुर साहिब की, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, CID वेरिफिकेशन होती है, आपके घर पर बंदे आते हैं वेरीफाई करने के लिए आपको। ऐसा प्रोसेस 5 से 10 दिन के अंदर अंदर चल सकता है, और जिस दिन आपकी डेट ऑफ जर्नी होगी उससे 4 दिन पहले आपको एक ETA मतलब फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपका ETA फॉर्म नहीं आता है तो आप नहीं जा सकते हैं, आपको रिजेक्ट वीक मतलब किया जा सकता है अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या कुछ भी है, ठीक है। मेरा तो भाई कंफर्म हो गया था 3 दिन पहले आपको कभी भी मैसेज आ सकता है। उसके बाद आपको अमृतसर आ जाना है, यहाँ जैसे मैं आया अमृतसर से आपको जाना है बाबा डेरा नानक, जहाँ पे इनका कॉरिडोर है इमिग्रेशन का इंडिया का, उसके बाद पाकिस्तान का। मुझे खुद नहीं पता है कि क्या करना है वहाँ पे, $20 लगते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने पहले बता के रखा था कि वहाँ पे इंडियन रुपीस नहीं चलते हैं। मैम डेरा बाबा नानक एक आगे भाजी पैदल ही आगे, जो कि हमें 35 रुपीस की पड़ी है, एक भाई की है, भाई ने पैसे दे दिया, अब उनको चेंज करवा के देता हूँ मैं। चलिए चलो भाई एक जूस दे दो, जूस हाँ रियल। सो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और जेल लगी हमारी 06921 अमृतसर से डेरा बाबा नानक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, और ये 4:20 पे चलती है और 5:50 पे आपको डेरा बाबा नानक पहुंचा देती है। डिस्टेंस तकरीबन 50-51 किलोमीटर का है बाय ट्रेन, ऐसे तो भाई ज़्यादा होगा, बाय बस 70 के आसपास पड़ जाएगा आपको, क्योंकि घूम के जाती है, लेकिन ये बेरका से कट जाएगी बाकी काफ़ी। चलिए अंदर चलते हैं, कोई तो दिख नहीं रहा मुझे इस ट्रेन में। इंटीरियर देख सकते हो एकदम DMU ट्रेन के तरह इंटीरियर है, बट यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है। 4:20 हो चुके हैं, एंड अपने राइट टाइम पे देख सकते हो 4:20 पे डिपार्ट करने को रेडी हो चुकी है हमारी स्पेशल ट्रेन। राइट टाइम पे डिपार्ट करा है इसने अमृतसर जंक्शन से। चलिए भाई निकल चुके हैं हम अमृतसर से। सो दोस्तों अमृतसर से लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने पहले स्टॉप पे, जो है अपना वेरका जंक्शन, स्टेशन कोड VKA। और दोस्तों जो अपना वेरका जंक्शन है ये मेन लाइन पे पड़ता है पठानकोट अमृतसर वाली, लेकिन अब हमारी ट्रेन यहाँ से कट जाएगी और जाएगी डेरा बाबा नानक वाले रूट पर, क्योंकि जो मतलब सीधा रूट गया है ये गया अपना पठानकोट जंक्शन वाला।
और दोस्तों वेरका से आपको 2-3 गाड़ियां मिल जाएगी डेरा बाबा नानक जाने के लिए, हालांकि अमृतसर से आपको 1-2 गाड़ी ही मिलेगी। यहां से 9 बजे भी गाड़ी है, 5 बजे भी गाड़ी है और एक ये वाली या तो रही है, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम मजीठा कोटला और गुजरा कोटला गुजरा और फतेहगढ़ चूड़ियाँ, ये सब मतलब छोटे छोटे स्टॉपेज को स्किप करने वाले हैं। अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट कर रही है रामदास रेलवे स्टेशन से। देखिए एक ही मतलब यहाँ पे बिल्डिंग बनी है और काफ़ी ज़्यादा पुराना रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना दिख रहा है ये पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। इधर भी देखो एक बंदा नहीं है और इधर भी एक बंदा नहीं है। एंड मुझे पता कैसा फील आ रहा है कि मैंने ये पर्सनल ट्रेन बुक करके रखी है, बाय द वे जस्ट फॉर जोकिंग। 6:01 हो चुका है, 5:50 पे टाइम था और सन भी राइज हो रहा है धीरे धीरे और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बाबा डेरा नानक, डेरा बाबा नानक सॉरी। एंड देखिए डेरा बाबा नानक बोलो या बाबा डेरा नानक बोलो एक ही बात है। देखिए अराइवल हमारी गाड़ी का यहाँ पे। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है बट फिर भी यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है। सो लो जी दोस्तों पहुँच चुके हैं हम डेरा बाबा नानक और यहाँ से जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर है, जो हमारी इंडियन रेल है वो नहीं जाती है क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। कॉरिडोर कितनी दूर है गबा जी? 3 किलोमीटर है तो। बाकी दोस्तों अंकल ने मुझे एक शॉर्टकट बताया है, मतलब शॉर्टकट नहीं ये वाला रास्ता है। तो ये है कुछ सुबह का व्यू एंड वो था हमारा रेलवे स्टेशन, काफ़ी मतलब सुनसान जगह है और यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ और कोई भी नहीं यहाँ पे। और दोस्तों भैया से मैंने पूछा, भैया बोल रहे हैं कोई 2 किलोमीटर होगा यहाँ से कॉरिडोर, लेकिन मैंने अंकल से पूछा, अंकल बोलते हैं इस रास्ते से इस गली से सीधा चले जाओ एंड यहाँ से कोई 800 मीटर दूर होगा डेरा, डेरा से फिर मुझे कॉरिडोर जाना पड़ेगा। बट यार यहाँ पे कुत्ते हैं साले, मतलब यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना वो बहुत मतलब काटने को पड़ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं डेरा सबसे पहले। और यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके नेटवर्क चले जाते हैं, मेरे तो एक भी नेटवर्क नहीं है एंड मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितना जाना है कैसे जाना है, मैप भी नहीं यार खुल रहा है, तो अभी पूछ के जाना पड़ेगा यार। सड़क नूं बहुत होना पर भी गांव सीधे घर आलू नहीं जाना, उतो फिर पिंड दे अगले पिंड दे भी क्यों दिक्कत। ठीक है ठीक है, थैंक यू अंकल जी। भैया ने मुझे काफ़ी लंबी लिफ्ट दी। सो दोस्तों अभी मैं आया था डेरा बाबा डेरा नानक, ये पीछे गुरुद्वारा था, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, मैंने सोचा चाय वगैरह पी ली है, बहुत बढ़िया ये मतलब आप दर्शन कर सकते हो, ये मैंने शॉट लिए हैं गुरुद्वारे के, आप थोड़े से दर्शन कर सकते हो, उसके बाद हम कॉरिडोर में जाएंगे। अभी खुल गया ये, हाँ 8 बजे खुलेगा और 9 बजे छोड़ेंगे है ना, वापिस कितने बजे आना है वहाँ से? 5:30। तो देख सकते हो आप मैं पहुँच चुका हूँ करतारपुर कॉरिडोर पे, सामने आपको दिख रहा होगा ये पूरा करतारपुर कॉरिडोर है एंड यहाँ पे 8 बजे स्टार्ट हो जाती है भाई इमिग्रेशन, आपका अंदर जाने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और 9 बजे आपको अंदर जाने देते हैं और 5:30 तक आपको वापिस आना पड़ता है पाकिस्तान से। सो देखिए एक बार और हम वो हमारे देश का फ्लैग है देख सकते हो एंड दूसरी साइड आपको पाकिस्तानी फ्लैग भी दिख रहा होगा, दूसरी साइड थोड़ा दूर है वो और
इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब आपको इसके पार्ट टू में मिलेंगे, मतलब कि कॉरिडोर से पाकिस्तान का ब्लॉग हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो भाई ज़रूर पूछें, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे ऐड करना ना भूलिए, यूज़र आईडी मिस्टर विशाल_शर्मा_। सो बाय बाय, जय करतारपुर साहिब।